हाँ तो भाई कैसे हो सारा, वो सब मस्त होंगे और काफी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि स्नैपसीड ऐप के बारे में आप जानते होंगे, आप एक आप फोटो एडिटर हो तो आपको पता होगा कि स्नैपसीड ऐप पर आप काफी अच्छी तरीके से रिटच कर सकते हो अपने फोटो को। तो मेरा भाई आपको काफी कम लोगों को पता होगा, आप अपने फोटो को जस्ट वन क्लिक में एडिट कर सकते हो, वो भी क्यूआर कोड की मदद से। क्यूआर कोड की मदद से आप कैसे फोटो रिटच कर सकते हो, आपको ये वो टूल कहाँ मिल जाता है और क्यूआर कोड कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, आधा अधूरा देख कर मत मांगना वरना ऊपर से जाएगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो को एंड तक वॉच करो, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 300 लाइक, आए वो आप पूरा कर दोगे तो फटाफट से लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी सीख सके इस ट्रिक के बारे में। और कोई नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरीके से जनरल कंटेंट आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि तुम्हारा भी जब भी ऑर्डर आता तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम के यूजर नेम ऊपर दिख रहा होगा, फॉलो भी कर लेना। तो चलिए आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो भाई हम कर लेंगे सिंपल वाले फोटो को सिलेक्ट। तो जैसे कि मेरा ये वाला सिंपल वाला फोटो देख सकते हो, तो जैसे कि भाई इसे हम कर लेंगे स्नैपसीड ऐप पर शेयर। तो जैसे कि हम इस फोटो को शेयर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इस पर ओपन हो जाएगा। देन आपको टूल्स वाला आइकन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो वो आपको मिल जाएगा मेरे भाई कि आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे, बट आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का टूल आपको यहाँ पर आपको ऊपर शेयर वाला आइकन के पास ये वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, एडिट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपको सामने आ जाएगा आपके 6 ऑप्शन आ गए सामने। तो इस पर आपको करना है, क्यू आर लुक दिख रहा होगा ये वाला, तो इस पर आपको जस्ट टेप करना है। टेप करने के बाद स्कैन देन क्यू आर लुक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। देन आपको फिर आ जाना है गूगल पर, तो गूगल पर आपको दूसरे फ़ोन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको करना दूसरा फ़ोन किसी का भी ले लेना है और आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार पर आपको क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पर लिखना है स्नैपसीड। तो ये आपको ध्यान से देखना है और इस तरीके से आपको स्नैपसीड पहले लिख लेना है। देन आपको इसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, सेकंड आप देख सकते हो आपके स्नैपसीड लिखते ही आपको आपके नीचे सर्च बार में आ जाएगा क्यूआर कोड, तो आपको इस पर टैप कर लेना है। देन इसके बाद आपको इमेज पर क्लिक कर लेना है। इमेज पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने काफ़ी मतलब यहाँ पर आपको आ जाएंगे क्यूआर लुक। तो जैसे कि ये डायरेक्ट स्कैन कर लिया है इसने, ज़्यादा ही फास्ट कर लिया है, तो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, फिर से मैं जाऊँगा क्यूआर लुक पर और मैं स्कैन लुक पर क्लिक कर लूँगा। तो जैसे कि ये स्कैन फिर से होगा, देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे आपको फिर से आपको दूसरा फ़ोन में आपको इसे क्यूआर कोड को मैं दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो काफ़ी क्यूआर कोड मिल जाएंगे। तो ये आपको डाउनलोड करना है तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। जैसे कि मुझे ये क्यूआर कोड स्कैन करना है तो मैं इसे पास ले जाऊंगा, आपको इस पर फोकस करना है। इस फोकस करने के बाद ये देख लीजिए आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। तो ये क्या होगा, आपके फ़ोटो में इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा ये क्यूआर कोड। तो देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यार वर्क कर रहा है ये। और आपको मैं एक बार और एक और क्यूआर कोड स्कैन करके दिखाऊंगा, तो आप अलग अलग तरीके से क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा क्यूआर लुक मिल जाएंगे, तो इस पर जैसे कि ये मैं क्यूआर लुक स्कैन करके दिखाऊंगा, फोकस करना है आपको। देन अप्लाई, तो आप लोग अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। देन आप देख सकते हो फिर से ये इसमें ऑटोमेटिक फ़ोटो को रिटच कर दिया। तो मेरे भाई कैसा लगा आपको ये क्यूआर कोड वाला टूल, तो आई होप आपको मस्त लगा होगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तो मेरे भाई आपको क्या कर लेना है, आपको एक बार यूज़ करना है और इसे आपको सेव कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।